और महायज्ञ कंसाली 2023 के एपिसोड नंबर 4 में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक धारापट्टी की ब्योली यानी दुल्हन। अब ब्योली या दुल्हन का होम महायज्ञ में क्या प्रयोजन है, इसके लिए चलते हैं होम महायज्ञ के बैकग्राउंड में। यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। इसमें देवता आहुति, वेद मंत्र, ऋतिक और दक्षिणा अनिवार्य रूप से होते हैं। जब हम अपने और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो देव यज्ञ या होम यज्ञ करते हैं। प्रकृति का नियम बनाने वाले देवताओं के प्रति आकर्षण का आह्वान करते हैं और अग्नि में घी, अनाज और समिधा आदि का पूजन करते हैं। पूजा में मंत्रों से देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें गंध पुष्प आदि विविध उपचार प्रदान किए जाते हैं। देव शक्तियों का मानवीकरण करके एक पूज्य अभ्यगत अतिथि की भांति उनकी सेवा पूजा की जाती है और उन देव शक्तियों से अभिष्ट की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। इस प्राण प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक पुरुष को यज्ञ पुरुष या जगन पुरुष कहते हैं। इन्हीं जगन पुरुष से प्रत्येक दिन गांव के 5 पट्टियों की दुल्हन से प्रतीकात्मक शादी की जाती है। कमसाली में 5 पट्टियों में सबसे पहले फोनिया और मोल्फा, दूसरे पट्टी में पुरफाल पट्टी, तीसरे में पंपाल व कुंवर पट्टी, चौथे दिन धारा पट्टी जिनमें बडवाल, मर्तोलिया, गड़ियाल, बिष्ट, राणा चौधरी, डांगला आदि परिवार आते हैं और 5वीं पट्टी चौहान पट्टी आते हैं। सिलसिलेवार इन 5 पट्टियों की दुल्हन की शादी यज्ञ पुरुष से की जाती है। और अन्य पट्टी वाले बारात लेके दुल्हन के यहाँ पधारते हैं और अतिथि सत्कार के बाद वापस बारात नाच गाने के साथ दुल्हन की टोली सहित महायज्ञ स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ जगन पुरुष से शादी की रस्म पूरी होती है। आगे के एपिसोड में इसके बारे में जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। अभी धारापट्टी की महिलाएं और विशेषकर ध्यानियां हमारे इष्ट देव फैला पंचनाथ की स्तुति में लीन हैं और बारात के स्वागत के लिए आतुर हैं। सभी उत्सुकता से ट्रेडिशनल ड्रेस में, गोल घेरे में नाच और गान एक अलग ही एहसास कराते हैं। अब रोंगपा ट्रेडिशनल ड्रेस की बात कर लेते हैं। सर पे जो कलरफुल और व्हाइट मटेरियल आप देख रहे हैं, इसे हम घोटी कहते हैं और कलरफुल टॉप को हम अंगड़ी कहते हैं और लोअर में जो ब्लैक कलर का मटेरियल है इसे हम लवा या पाकी कहते हैं और उसके नीचे घाघरा और ज्वेलरी के रूप में गले में चंद्रहार जो कि चांदी की बनी हुई होती है और गले में रेड कलर का गलोबंद जो कि सोने से बनी होती है और नाक में सोने की नथली या नथ। वहीं अगर ट्रेडिशनल ड्रेस में पुरुष वर्ग की बात करें, सिर पे ऊनी पहाड़ी टोपी, सफेद भेड़ की ऊन का कोट और ऊनी पैजामा और जिस ढोल की थाप पे अभी सभी नाच रहे हैं इसे हम पौणा नृत्य कहते हैं। यह एक पौराणिक ट्रेडिशनल रोंगपा नृत्य है और विशेष अवसरों पे इसका मंचन किया जाता है।
दोस्तों, जितना सुंदर हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, उतना ही सुंदर और अद्भुत अलौकिक दृश्य गमसाली गांव का, जो कि नीति घाटी का सबसे सुंदर गांव माना जाता है। बारात का इंतजार करते करते काफी देर हो चुकी है और जब तक कि बारात नहीं आ जाती, तब तक मेजबान धारापट्टी के ध्याणी घुसियाणी और पुरुष वर्ग पौना नृत्य का आनंद लेते हुए। लीजिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और पौना नृत्य करते हुए बाराती धारापट्टी के चौक पर पहुंच चुकी है। और बारातियों में से कुछ खास बाराती होते हैं
का दिन होला तुड़ी तुड़ी धारी लाइन लगी होली बंटों के घड़ी घड़ी याद सतों दिन में गोका बाटा घाटों के टूड़ का दिन होला तुड़ी तुड़ी धारी लाइन लगी होली बंटों के घड़ी घड़ी याद सतों दिन में गोका बाटा घाटों के घड़ी घड़ी याद सतों दिन चमासे गोरु के तांदे डांडियों पहुंची जांदे छोटी छोटी पंदेरी हंसिया घस्यारी अग्ने गोरु पिछने बकरी औंद चमासे गोरु के तांदे डांडियों पहुंची जांदे छोटी छोटी पंदेरी हंसिया घस्यारी अग्ने गोरु पिछने बकरी ककड़ी मुंगरी की पहली नवाण खड़ी मुंगर की पहली नवान स्कूल छोरा छोरों की दीवानों की हुक्का साज छजा में सजनी होली है अधखड़ी बॉडी धुआने रसोड़ू कन छकुला पानी होली दान दीवानों की हुक्का साज छजा में सजनी होली है अधखड़ी बॉडी धुआने रसोड़ू कन छकुला पानी होली झोल झंगवारू जख्य कुतुड़का तोतर पकना होला का फल पक्की भी बसना होला लड्डू सी गोंदगी हिसरे सी दानी तिमलों के सातर की चम पाने किन गोड़ तोतर पकना होला का फल पक्की भी बसना होला लड्डू सी गोंदगी हिसरे सी दानी तिमलों के सातर की चम पाने। लीजिए दोस्तों, अब बारात यज्ञ स्थल की ओर अग्रसर है। बड़ी लंबी कतार भक्तजनों की हो चली है। सभी पंक्तिबद्ध होके एक सुर में और एक ताल में यज्ञ परिसर की ओर बढ़ चले हैं।
जा सकता है।